तो गाइस हमने मीशो से मंगाए थे ये कंटेनर जो मैंने अपने किचन के लिए मंगाए थे, और ये देखिए मेरा बेटा इनको ओपन करने में लगा हुआ है और इसको बहुत देर हो गई है और ये बोल रहा है कितने सारे कितने सारे। तो ये बहुत सारे कंटेनर हैं, 24 कंटेनर हैं, और अभी मैंने इसको काम दिया है कि पहले सबसे बड़े उससे छोटे ऐसे करके यहाँ पर टेबल पर इसको लगाने हैं। तो मैंने सोचा कि इसका एक रिव्यू करा जाए। तो ये जो कंटेनर है गाइस मैंने ये 497 रुपीज़ के लिए हैं और ये 24 कंटेनर हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो 20 जैसे कि पहले मैंने सोचा कि मार्केट में पता करा जाए पास की मार्केट में, तो मैंने वहाँ भी पता करा। तो गाइज़ अभी हमारा काम जारी है इनको ओपन करने का, तो तब तक मैं आपको इनकी थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। तो अभी हम पूरे आपको लगा के भी दिखाएंगे। तो गाइज़ ये इस तरीके के साइज़ में, मैं इसमें से पन्नी निकाल देती हूँ, और इस तरीके के साइज़ में ये 4 मतलब साइज़ के कंटेनर आपको मिलेंगे। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे इसको लेके, अभी मुझे 2 दिन हो गए इसको अपने घर में रखे हुए कि इनको रखूं या नहीं रखूं। तो आज मैंने इनको ओपन किया है और अपने बेटे से ओपन करवा रही हूँ। तो गाइस मुझे ये काफ़ी ऑसम प्रोडक्ट लगा, क्योंकि इसमें ना सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें बहुत ही छोटी डब्बी दी गई है आपको, ठीक है। जैसे कि हम घर में नमक की एक डब्बी रखते हैं उस टाइप की एक छोटी सी डब्बी दी गई है। बट मैंने फिर काफ़ी कंपेरिजन किया, मैंने पास की मार्केट में इसको ऑर्डर करने से पहले जो बर्तन की शॉप्स थी 4 हमारे पास में, मैं वहाँ गई, तो ये जो मुझे डब्बे थे ये 18 डब्बे मुझे 800 रुपीज़ में और लास्ट 700 रुपीज़ में मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो यार मीशो से ही ऑर्डर कर लिया जाए, तो मैंने इनको ऑर्डर किया। ये मुझे इस तरीके के कंटेनर मिले हैं और ये जो कंटेनर हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार हैं। मतलब मैं इसको आपको अगर मार्क्स देने हो तो मैं 10 में से 7 मार्क्स दूंगी। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको ये सिल्वर कलर का, इसमें आपको ब्लैक कलर के भी प्रिंट मिलता है, बट मुझे ये सिल्वर कलर का प्रिंट बहुत सुंदर लगा था। और ये इस तरीके की आपको पैकेजिंग इसमें मिलेगी, तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, आई थिंक इसमें आधी किलो से थोड़ा सा ज़्यादा सामान आ सकता है। और तो ये काफ़ी अच्छे कंटेनर थे, तो मैंने इनको अब ऑर्डर किया था तो मैंने इनको कैंसिल करने का जो इरादा था वो अब कैंसिल कर दिया है। मैं इनको अपने किचन के लिए रख रही हूँ क्योंकि इतने सस्ते में ये कंटेनर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस इसमें एक डिसअपॉइंटेड जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें बहुत ही छोटा कंटेनर दिया गया है जो हमें पिक्चर में नहीं दिख पाता है। बट फिर मैंने सोचा कि यार इसको भी हम यूज़ कर लेंगे जब आया है, तो क्योंकि ये 4 डब्बे समझ लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि ये 18 डब्बे आपको 497 रुपीज़ में मिल रहे हैं, तो आपके 300-400 रुपये आसानी से बच रहे हैं, क्योंकि मैंने शॉप पे भी यही डब्बे देखे थे और यही क्वालिटी थी, तो मुझे इनमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि आपको इनको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। और इनके साथ आपको स्पून भी मिलती है, सबसे बढ़िया बात आपको इनके साथ स्पून भी मिलेगी और ये कंटेनर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए हमारी ओपनिंग चल रही है अभी और कितने सारे बॉक्सेस हैं ये, ठीक है। तो ये सारी स्पून है और अभी हम इनमें थोड़ा सामान रख के भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस देखिए कुछ रखने के बाद ये ऐसी लुक देते हैं और बहुत ही गजब लुक आ रही है रखने के बाद, कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर मैंने ये चेरी टॉफ़ी भर दी है और इसके अंदर मैंने ये बिस्किट्स भर दिए हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अति उत्तम अति उत्तम। तो मुझे ये बहुत ही परफेक्ट एक मतलब बॉक्सेस लगे। और कई लोग बोलते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है और मतलब 500 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा चीज़ मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। और मैंने स्पेशली ये मतलब किचन के लिए कम और अपने बच्चों के सामानों के लिए ज़्यादा रखे, जैसे कि नमकीन बिस्किट और बच्चों के छोटे मोटे खाने पीने के सामान जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो हम इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। तो आपको गाइस ये जो कंटेनर है बहुत ही पसंद आएंगे और हम इस तरीके से इनको लगा रहे हैं, तो आपको इनको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।